हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करूँगा आर एस एम डबल एस पी आई ए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सिंपली गाइस, हम अपने ब्राउजर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे जो अपडेट निकल के आई है आर एस एम डबल एस पी की तरफ से निकल के आई है, आर एस एम डबल एस पी इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट फॉर एक्सपेक्टेड कट ऑफ विद एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस पैटर्न कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कई सारे बंदों का जो है कल से कमेंट जो आ रहे थे हमारे वेबसाइट से लेके एंड हमारे यूट्यूब चैनल से लेके कर एंड हमारे व्हाट्सएप तक। तो सिंपली गाइस, इसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट थे हमारे पास जनरल के थे, ओबीसी के लिए के थे एंड एसटी के लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा और एंड इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस में क्या क्या रहेगा। तो आज इस वीडियो में आपको सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो सिंपली हम जो है इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो गाइस देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आर एस एम डब्ल्यू एस पी आई ए पर इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका कट ऑफ जो बनने वाली है जनरल का जो है 68 से 72 जाएगी, ओबीसी का जो है 66 से 70 जाएगी एंड ईडब्ल्यूएस का 70 से लेकर 72 तक जा सकती है। अगर एससी की बात करो तो 58 से 62 जाएगी और एसटी की 54 से 58 तक इसकी जा सकती है। अब पीडब्ल्यूडी की बात करो तो पीडब्ल्यूडी में आपको 45 से 52 तक इसका एक्सपेक्टेड में जा सकती है। और इसमें बात करूँ आउट ऑफ मार्क्स कितने का होता है, आउट ऑफ मार्क्स जो है 100 का होता है। तो इसलिए जो है आप लोग इसको देख लें कि यहाँ तक इसका जो है कट ऑफ जा सकता है। ये एक में जो है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग से ही कट ऑफ का एनालिसिस करके ही हम जो है कट ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्ज़ाम पैटर्न के जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें जो आपका मेन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, रिटन टेस्ट विल बी द कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका जो है इसमें पार्ट ए में रिटन टेस्ट होगा और जो रिटन टेस्ट 100 मार्क्स के होंगे। और इसमें आपका फिर पार्ट बी में हिंदी और इंग्लिश का जो है टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। इसमें WPS जो है होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो अगर WPS अगर आपका 20 के प्लस है तो सिंपली जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें और सारे स्टूडेंट का जो कमेंट था उसमें पूछ रहे थे कि इसमें जैसे कि हमारा 35 WPS है इंग्लिश में और एंड हिंदी में हमारा 35 WPS नहीं है या 20 से भी कम है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता दूं आपको जो है दोनों में टाइपिंग स्पीड जो है फास्ट होनी चाहिए, यानी कि WPS जो है 20 के प्लस होना चाहिए तभी आपका जो है सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। अगर मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन की टाइमिंग का, इसका कितना ड्यूरेशन है, तो इसका जो ड्यूरेशन है 180 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि 3 आवर्स आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और 3 आवर्स में पार्ट ए के जो भी सब्जेक्ट आते हैं और उसी का जो है सारा आपको जो है एमसीक्यू में एग्ज़ाम देना होता है। इसमें कुछ बंदों का ये भी कमेंट आया था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। तो मैं गाइस बता दूं इसमें आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका जो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होते हैं। इसमें जो है इस क्वेश्चन पर ईच ऑफ 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के आएंगे। इसमें आपको 100 मार्क्स के आएंगे। आपको टाइमिंग 3 आवर्स की प्रोवाइड की जाएगी। कुछ बंदों का ये भी डाउट था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, तो इसमें क्या इसमें बता दूँ आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप लोग टेंशन न ले। अब फिर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज मिलेगा, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो पार्ट ए में जो होता है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी कि इतने सारे आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतने सारे
जो है सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें जो होता है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें जो टाइम प्रोवाइड किया जाएगा 180 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपको 3 आवर्स का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। पार्ट बी की बात करूंगा तो पार्ट बी में हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। और कुछ लोग जो है थिंकिंग कर रहे हैं कि बस एक ही टाइपिंग टेस्ट होता है, तो गाइस मैं बता दूंगा आपको जो है हिंदी का भी टाइपिंग टेस्ट होगा एंड इंग्लिश का भी टाइपिंग टेस्ट होगा, दोनों लैंग्वेज का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें जो होते हैं कि 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 मार्क्स के दिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो फाइनल मेरिट में इसका ऐड नहीं किया जाता है। आप सोचते होंगे कि यार 15 है, 150 का होगा, 150 का होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो है पार्ट बी का जितने भी होते हैं वो आपके जो है पासिंग के लिए होते हैं, लेकिन इसका मार्क्स जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है पार्ट ए में। इसकी जो टाइमिंग जो होती है आपको जो प्रोवाइड की जाएगी वो आधे घंटे का टाइमिंग होती है, यानी कि 30 मिनट्स का। तो इसी के अंतर्गत में आपको जो है एग्जाम देना होता है। अब हम सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं, इसके कौन कौन से जो सिलेबस होते हैं। तो इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे सेकंड वाले चैनल टेक ब्राउज़र सॉल्यूशंस पे इसमें से सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और जो भी कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे तो आप मैसेज भी ड्रॉप सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस पे डेली वाइज जो है कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग अपडेट होते रहते हैं। तो इसमें जो होता है आपको डेटा इंटरप्रिटेशंस, डेटा सफिशिएंसी, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और व्यू ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर, इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा जो है मिल जाएगा आपको टेक ब्राउज़र सॉल्यूशंस वाले पे। इसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ये सब पढ़ सकते हैं। वहाँ सर आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ मिल जाएगा, और इसका भी मैं लिंक जो है पूरा अपने कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से भी इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से लर्निंग भी कर सकते हैं। फिर पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर, इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग का नंबर सिस्टम एंड टाइप्स होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड टाइप्स होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, ये सारे होंगे, सर्च इंजाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू द ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग, वेब ब्राउजिंग, वेबसाइट, HTML, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, ये सब आपको आना चाहिए। और सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड फ्रॉम वर्सेस एंड द मोरिशियस अटैक क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू द फायर वॉल यू अंडिलिटी बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा, एल्गोरिथम फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू द सी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आपको जो जावा वगैरह भी कवर करना पड़ेगा, सी प्रोग्रामिंग भी कवर करना पड़ेगा, साथ में आपका जो है इसके जो भी डाउट होते हैं उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कंटेंट इसमें पूछे जाएंगे। तो इसलिए अगर आप इस पर फोकस करते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये फिर लास्ट में पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इतने सारे यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कंटेंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं सारे कंटेंट आपको आना चाहिए। ये सारे कंटेंट आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो ये सारा जो होता है मेन प्रोसेस होता है RSNSP इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट जो है वैकेंसी में, इसकी वैकेंसी जो 2700 के प्लस निकल के आई है। तो इसलिए गाइस आप लोग जो है अगर आप लोग इस क्वालिफिकेशन से सुटेबल्स हैं तो इसको फॉर्म को फिल करें और उसके बाद इस सिलेबस को कवर करें, आप लोगों का डेफिनेटली इसको सिलेक्शन होगा। और नोट में मैंने दिया है जितने भी सारे स्टूडेंट हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे दूसरे वाले चैनल पे प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से आप जाके ये सब जो है पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ से उसको देख भी सकते हैं और PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर भी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नए टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।